तो हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें ऑट्रिनोज पीडियाट्रिक नोजल ड्रॉप के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है वह नाक से जुड़ी समस्या में बच्चों में जिसमें कंजेशन वगैरह हो। तो कब डॉक्टर आपके बच्चों को इसे रिकमेंड करते हैं या कब आपको इसे बच्चों में यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ऑट्रिनोज इसे GSK फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है और इसका जो पैक वह 10 ml का है जिसकी कॉस्ट 75 rupees। जैसे कि फ्यूचर में आप और भी मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ऑट्रिनोज पीडियाट्रिक जो नोजल ड्रॉप है इसका इस्तेमाल तभी करना है जब बच्चों के नाक में कंजेशन रहता है जिसमें स्टफी नोज रहती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है या इन्फ्लामेशन है, सूजन है जिसकी वजह से सांस बराबर से नहीं ले पाते बच्चों के और काफ़ी तकलीफ होती है, और जैसे कि बच्चों का नाक बार बार ड्राई हो जाती है जैसे उसके वजह से भी बच्चों को तकलीफ होती है, या जैसे कि बच्चों का कॉमन कोल्ड वगैरह हुआ था या ऐसे कफ वगैरह हुआ था जिसकी वजह से उनके नाक में जाम रहता है, बराबर से उनके नाक से हवा नहीं पास होता है, उनके श्वास नलिका में नहीं जा पाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसका बेनिफिट देखा जाए तो ये 2 मिनट के अंदर ही काम करने लगता है और 10 घंटे तक काम करता है। तो अगर इससे इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल 1 से लेकर 11 साल के बच्चों तक किया जा सकता है। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं कि जो स्टफी नोज रहता है उससे ब्लॉकेज को कम करते हैं, उससे जो कि ठीक करने में हेल्प करते हैं, और साथ में जो ड्राइनेस रहता है नाक के अंदर उस ड्राइनेस को हटाते हैं, उससे मॉइस्ट हमेशा बनाए रखते हैं। जैसे कि किसी किसी में ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है नाक के ड्राइनेस की वजह से, सूख जाती है नाक, तो जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है, तो उस समस्या को दूर करते हैं। इसे पीडियाट्रिक में यूज करना, बच्चों में यूज करना है। और इसे मोस्टली आप जब बच्चे के नाक का ब्लॉकेज देख रहे हैं जैसे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तभी इसे नाक में डाल लेते हैं। इसका आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं इस्तेमाल, जब बच्चों सोते रहते हैं या सोने जा रहे हैं या जैसे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब इसका इस्तेमाल करें। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी बच्चों में रिलीफ आता है और काफ़ी समय तक ये वर्क करता है जिससे नाक का कंजेशन दूर होता है बच्चों में, उनका जो सूजन वगैरह में रहती तो वह कम हो जाता है, और जैसे कि उससे जो कि एयरवेज रहती है वो अच्छे से पास होने लगती है, हवा वगैरह अंदर आसानी से जाने लगती है जिससे बच्चों को ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर मिलने लगता है। तो इस तरह से यह वर्क करता है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसके बच्चों में इस्तेमाल करें। अगर आप खुद से करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से और जिससे आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो हो सकता है बच्चों में साइड इफेक्ट देखने को मिले, जैसे कि उनकी नाक में खुजली वगैरह आ सकती है, नाक में ज़्यादा ड्राईपन देखने को मिल सकता है, सारी समस्या देखने को हो सकती है। तो मोस्टली ये अवेलेबल मिल जाएगा आपको सारे, तो वहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं मेडिकल से। और जैसे कि आप वीडियो और चैनल पर पहली बार जुड़ किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।